हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ मेरी गार्डन का ओवरव्यू। मेरी गार्डन में फ्रेंड्स कई प्लांट क्यारीज में भी लगे हैं और कई प्लांट गमलों में। आज आपके साथ मैं वही शेयर करने वाली हूँ। तो आप देख सकते हैं गुड़हल, जेड्रोफा और कैने लिली के प्लांट कितनी खूबसूरत फ्लावरिंग कर रहे हैं मेरे गार्डन में फ्रेंड्स। और सावन का मौसम है फ्रेंड्स, सभी प्लांट हरे भरे और खूब अच्छी फ्लावरिंग कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इस क्यारी में बताऊँ तो ये लगा हुआ है विद्या का प्लांट, जिसे फ्रेंड्स हम मोर पंखी भी कह देते हैं। और साथ ही इसके साथ में लगा है मेरा नींबू का प्लांट, लेमन का प्लांट। तो बस इसमें से काफ़ी नींबू पक पक के नीचे ज़मीन पर गिरते रहते हैं। काफ़ी हार्वेस्टिंग कर चुके हैं अब तक हम इस प्लांट से, प्लस काफ़ी रिलेटिव और फ्रेंड्स में हम बांट भी चुके हैं। लेकिन इसके अभी भी काफ़ी लेमन्स आए हुए हैं फ्रेंड्स मेरे इस प्लांट पे। तो इस क्यारी में लेमन का, मोर पंखी का प्लांट लगा है। साथ ही में मैंने लगा रखे हैं फ्रेंड्स ये हैंगिंग बास्केट में शतावरी का प्लांट लगा रखा है। और नीचे देखिए फ्रेंड्स, आपको ज़मीन खाली लग रही होगी, आने वाले टाइम में मैं इस खाली जगह में भी फ्लावरिंग प्लांट लगा दूंगी। और ये है ड्रेसिना की एक वैरायटी फ्रेंड्स, और ये छोटा एक्जोरा प्लांट है। वाइट कलर, सॉरी पिंक कलर के फ्लावर्स आते हैं इसमें फ्रेंड्स। ड्रेसिना, एक्जोरा और चाइनीज एग्लोनमा की वैरायटी फ्रेंड्स दोनों ही पास पास में है। ये है एलमंडा प्लांट, छोटा प्लांट जो अलमंडा के फ्लावर्स होते हैं। ये भी इस मॉनसून में काफ़ी खूब अच्छी फ्लावरिंग कर रहा है। और ये है एक्सोरा फ्रेंड्स। इस क्यारी का ओवरव्यू मैं पहले भी अपने चैनल पे एक बार दे चुकी हूँ, लेकिन जिसने नहीं देखा मेरे इस क्यारी का व्यू, तो मैंने इस बार जल्दी जल्दी ही वीडियो कैप्चर करके, कि वीडियो ज़्यादा मेरा लंबा ना हो जाए, इसलिए जो न्यू व्यूवर्स हैं उनके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। और ये मेरा गार्डन पार्ट टू होने वाला है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये सीड से ग्रो हुई है अपराजिता की वाइन, काफ़ी इजीली ग्रो हो जाती है मॉनसून में सीड से। और ये है एक और एक्सोरा का प्लांट। तो फ्रेंड्स इसी तरह से काफ़ी अच्छी ग्रोथ में है इस मॉनसून में प्लांट, और काफ़ी फ्लावरिंग बर्ड्स बने हुए हैं मेरे एक्सोरा प्लांट पे। और काफ़ी जगह परमानेंट प्लांट्स काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग भी कर रहे हैं। और फ्रेंड्स इस साइड देखें तो फ्रेंड्स, ये है, ये भी एक्सोरा की एक वैरायटी है। ये वाइट कलर के फूल आते हैं, फ़िलहाल तो अभी आ नहीं रहे फ्रेंड्स इनमें फूल। और ये है, इसमें गाजरी रंग के फ्लावर्स आते हैं, ये भी एक्सोरा की एक वैरायटी है। तो एक्सोरा में भी काफ़ी वैरायटीज आ जाती हैं फ्रेंड्स, तो ज़रूर लाइए एक्सोरा के परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट, काफ़ी अच्छे लगते हैं हमारे गार्डन में जब ये फ्लावरिंग करते हैं। और फ्रेंड्स इस साइड की क्यारी में देखें तो इधर भी फ्लावरिंग स्टार्ट है, प्लस यहाँ लगा है। और फ्रेंड्स क्रिसमस ट्री के साथ में लगा है फाइकस प्लांट। तो इस क्यारी में भी काफ़ी मैंने ज़मीन में प्लांट लगा रखे हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ जेड्रोफा फिर से है, यहाँ एक्सोरा है, काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग कर रहा है। और साथ ही में लगा हुआ है मेरा आसोपालव का प्लांट, तो ये वाला एक्सोरा प्लांट भी काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग दे रहा है फ्रेंड्स मॉनसून में, आप देख सकते हैं। काफ़ी हेल्दी फ्लावर्स हैं और प्लांट भी काफ़ी हेल्दी बन गए हैं बारिश का पानी पीकर, जो गर्मियों में एकदम मुरझा गए थे, डेड हो गए थे, अब फिर से हरे भरे हो गए हैं। तो ये है 4 o'clock का प्लांट फ्रेंड्स, बीज से काफ़ी ईजिली ग्रो हो जाता है ये प्लांट। तो ये प्लांट फ्रेंड्स मैंने ज़मीन में ही लगा रखे हैं। तो इसी प्रकार से ज़मीन में काफ़ी अच्छी ग्रोथ करते हैं, कैरिंग कम होती है ज़मीन में। तो फ्रेंड्स देखिए, ये जेड्रोफा का एक और प्लांट है। मेरे हस्बैंड को फ्रेंड्स फ्लावरिंग प्लांट बहुत पसंद है, जो परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट होते हैं मेरे हस्बैंड काफ़ी ज़्यादा वही खरीदते हैं। तो फ्रेंड्स ज़मीन में ऐसा नहीं है कि ज़मीन में केयर नहीं करनी पड़ती, टाइम टाइम पे इन पे प्रूनिंग भी करनी पड़ती है, प्लांट की खाद भी देनी पड़ती है। प्लांट सेक वगैरह का काफ़ी प्रॉब्लम हो जाता है कई बार ज़मीन में लगे हुए प्लांट का। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है अलमंडा की बेल और काफ़ी खूबसूरत फ्लावरिंग कर रही है। और इसको मैंने मेरे झूले के साथ में ही बांध दिया है, हैंग कर दिया है, तो ये झूले के ऊपर ही चढ़ रही है ये बेल, और काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग करती है ये मॉनसून में। और ये है गुड़हल का एक प्लांट जो मैंने पॉट में लगा रखा है गमले में, फ़िलहाल तो इसमें अभी फ्लावरिंग नहीं हो रही है, फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी इस प्लांट में। और ये है नीली का प्लांट, इसमें नीले फूल आते हैं फ्रेंड्स। और देखिए फ्रेंड्स, अलमंडा की बेल पर कितने सारे फ्लावर आए हुए हैं, और मैंने बाद में देखा कि छत के ऊपर भी काफ़ी फ्लावर्स आए हुए हैं। तो फ्रेंड्स इसी के साथ है रंगून क्रीपर, मधुमालती की बेल भी बोलते हैं, झुमका बेल भी बोलते हैं इस बेल को फ्रेंड्स, और काफ़ी खूबसूरत फ्लावरिंग कर रही है मॉनसून में फ्रेंड्स। और काफ़ी सुंदर लगते हैं इसके फ्लावर्स जब झुमके की तरह लटकते हैं, और एक अलग ही लुक देते हैं हमारे गार्डन में। तो फ्रेंड्स इसी के आगे है
गुड़हल, हाइब्रिड गुड़हल। इसमें बड़े कलर के पिंक कलर के फ्लावर्स आते हैं फ्रेंड्स, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। फ़िलहाल अभी इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट नहीं हुई है, अब हो जाएगी थोड़े टाइम में। और यहाँ फ्रेंड्स मैंने स्वीट पोटैटो वाइन से जो ग्रो करी हैं वाइन, तो वही का पिक्चर है, वही है। और यहाँ मॉस रोज और पर्सलेन के काफ़ी प्लांट अब फ्लावरिंग कर रहे हैं। ये मैंने मॉर्निंग में 9 बजे वीडियो शूट किया है, तो अभी इतनी अच्छी तरह खिले नहीं हैं इनके प्लांट और फ्लावर्स। और फ्रेंड्स ये है गुड़हल की एक वैरायटी, पिंक कलर के फ्लावर्स आते हैं फ्रेंड्स। इसमें फ्लावर बर्ड्स बने हैं, 2 दिन पहले फ्लावर्स भी आए हुए थे, उसकी रील मैंने इंस्टा पे शेयर की है, जरूर जाके देखना। और इसी तरह से पर्सलेन और मॉसरोज और काफ़ी प्लांट फ्लावरिंग कर रहे हैं मानसून में, और खूब अच्छी। अभी धूप भी अच्छी तरह नहीं मिल रही, लेकिन 10-11 बजे तक ये काफ़ी खिल जाएंगे अच्छी तरह से, बड़े बड़े हो जाएंगे फ्लावर्स फ्रेंड्स। तो इसी साइड में क्यारी में फ्रेंड्स मैंने आलमंडा और तो फ्रेंड्स पीछे की साइड की क्यारी में मैंने आलमंडा के फ्लावरिंग प्लांट प्लस पारिजात की पारिजात का प्लांट और सीताफली का प्लांट, ये सभी लगा रखे हैं इस क्यारी में। तोरियों की बेल भी लगा रखी है, अभी मैंने तोरियों के शीड्स लगाए हैं, तो देखिए पीछे आप देख सकते हैं कि ग्रो कर गए हैं। और यहाँ है रेन लिली का प्लांट फ्रेंड्स, इसी के साथ जो टावर मैंने शेयर किया था थोड़े दिन पहले कबाड़ से जुगाड़ में, तो देखिए ये टावर भी, टावर में जो प्लांट लगाए थे ये काफ़ी अच्छी ग्रोथ में है। और इसी प्रकार से फ्रेंड्स ये अम्ब्रेला पाम का प्लांट है, ये एक और आलमंडा का प्लांट आ गया है, तो इसमें भी काफ़ी फ्लावरिंग बर्ड्स बने हुए हैं फ्रेंड्स, कल परसों में इसमें भी फ्लावर्स खिल जाएंगे। अभी धूप 5-6 दिन से ज़्यादा तेज़ कड़क धूप नहीं आ रही है फ्रेंड्स, तो फ्लावरिंग खिलने में भी काफ़ी दिक्कत हो रही है फ्लावरिंग प्लांट को, तो बर्ड्स तो काफ़ी अच्छे बने हैं, फ्लावरिंग भी होती है, लेकिन धूप के कारण फ्लावरिंग थोड़ी कम हो रही है। तो इसी प्रकार से फ्रेंड्स मॉनसून के सीज़न में हमारा गार्डन ऑटोमेटिकली बिना खाद के हेल्दी बन जाता है, और प्लांट एकदम नहा धो के फ्रेश हो जाते हैं, जो पूरे साल भर की मिट्टी चिपकी होती है प्लांट्स पे, तो वो उतर जाती है और निखर जाते हैं हमारे सारे ही प्लांट। ये मिनी गुड़हल है फ्रेंड्स, और इधर मैंने बड़ेलिया की बेल रोड साइड से कटिंग ला के गमले में लगा दी, और काफ़ी खूबसूरत फ्लावरिंग होती है इसमें, बिल्कुल सूरजमुखी की तरह फ्लावर्स होते हैं, जो सूरज की तरह दिखते हैं, बहुत ही सुंदर छोटे छोटे फ्लावर्स आते हैं। और इधर फ्रेंड्स मैंने चंपा की और कैना लिली की प्लांट ग्रो किए हुए हैं। तो इसी प्रकार से फ्रेंड्स आज का मेरा ये गार्डन ओवरव्यू है, तो ये शायद मैं फ़र्स्ट टाइम ही दिखा रही हूँ आपको ये पोर्शन, इससे पहले मैंने काट कट के पोर्शन दिखाती रहती हूँ, एक बार में दिखाते तो काफ़ी लॉन्ग वीडियो बन जाता है, व्यूवर्स फ्रेंड्स फुल वीडियो नहीं देखते, आप लोग बहुत स्किप करते हैं वीडियो को, तो फ्रेंड्स फुल वीडियो देखा कीजिए। तो फ्रेंड्स देखिए ये चंपा की और यहाँ स्नेक प्लांट हैं, और यहाँ भी एक मधुमालती की पीछे बेल लगी हुई है, और ये है मेरा फ्लावरिंग प्लांट कनेर का, जो कि मैंने हार्ड प्रूनिंग कर दी है इस मॉनसून में, तो फिर से ग्रो कर रहा है जगह जगह से, अब आने वाले टाइम में बहुत अच्छी फ्लावरिंग करेगा। और ये है मेरे पत्थर चटे का प्लांट, जो मैंने कटिंग से ग्रो किया हुआ है। तो इसी प्रकार से फ्रेंड्स मैं इनमें से कई प्लांट ऐसे हैं जो मैंने खुद कटिंग से ही ग्रो कर लिए हैं और मेरा पूरा गार्डन भर लिया है। और ये है छोटे कनेर का प्लांट फ्रेंड्स, इसमें देखिए फ्लावरिंग बर्ड्स भी बने हैं प्लस फ्लावर्स भी आ रहे हैं। और इधर है वाइट गुड़हल, जैसे कि पिंक गुड़हल देखा आपने, ये वाइट गुड़हल का प्लांट है, और इसमें भी फ्लावर्स आने की तैयारी है फ्रेंड्स। और देखिए ये लगा हुआ है इसमें मिली बग्स, अगर आपके प्लांट में मिली बग्स लगते हैं तो फ्रेंड्स नीम ऑयल का स्प्रे करें, और वैसे तो अभी मॉनसून है, अगर जिस टहनी पे मिली बग्स लगा भी है तो आप उस टहनी को काट दें, फिर से अच्छी तरह से ग्रोथ पकड़ लेगी वो टहनी, नहीं तो आप नीम ऑयल का स्प्रे करें। तो फ्रेंड्स ये है मेरे गार्डन का ओवरव्यू, आप देख लीजिए कैसा लगता है मेरा गार्डन, आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि मेरा गार्डन कैसा लगा आपको। मुझे तो लगता है मेरा गार्डन किसी नर्सरी से कम नहीं है, इसे संभालने में बहुत मेहनत होती है फ्रेंड्स, साफ़ सफाई में काफ़ी टाइम लग जाता है, तब जाके प्लांट थोड़े बहुत अच्छे ग्रोथ करते हैं और खूबसूरत रहते हैं और हेल्दी रहते हैं फ्रेंड्स। और इस पोर्शन का फ्रेंड्स कई बार मैंने आपको ओवरव्यू दिखा दिया है,
तो फ्रेंड्स देखिए, ये प्लांट स्टैंड है। इसमें मैंने बास्केट में मॉस रोज और पर्सलेन की कटिंग से तैयार किए हुए प्लांट लगाए हैं, प्लस एक्जोरा और कनेर की वैरायटी है, मिनी एक्जोरा है और जेड प्लांट की वैरायटी है मेरे इस वाले पोर्शन में। तो इस तरह से मैं अपना गार्डन सजा कर रखती हूँ फ्रेंड्स, और इसमें मैं टाइम टाइम पर चेंजेस भी करती रहती हूँ। जब मैं साफ़ सफाई करती हूँ मेरे गार्डन में, तो चेंजेस भी काफ़ी करती रहती हूँ आगे पीछे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हम अपने घर के बेडरूम को या ड्राइंग रूम को सजाते हैं, तो जो गार्डनर्स होते हैं उनको शौक चढ़ता है, शौक होता भी है कि हम हमारे गार्डन में न्यू क्रिएटिविटी करें, जो कि मैं तो करती रहती हूँ फ्रेंड्स। टाइम टाइम पे चेंजेस होता रहता है मेरे गार्डन में, और कटिंग से हेल्दी प्लांट बनाती रहती हूँ, और इसी तरह से हैप्पी गार्डनिंग आप भी करते रहें। तो फ्रेंड्स, आज तो ये मेरे गार्डन का आधा ओवरव्यू ही था। अभी भी मेरे गार्डन में 2-3 पोर्शन ऐसे हैं जो कि मैंने आपके साथ में शेयर नहीं किए, फिर किसी दिन पार्ट 3 में शेयर कर दूंगी। तो आप पहले पार्ट 2 को अच्छा रिस्पांस दीजिए, और आप भी इसी तरह हैप्पी गार्डनिंग करते रहें। ओके फ्रेंड्स, बाय, मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में।